बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये तमाम और खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को खैरियत से रखे और खुश रहें। आप तमाम स्टूडेंट ठीक है, 9th क्लास के पेपर आ चुके हैं और इंशाल्लाह जल्द अभी आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए 9th क्लास की वीडियो जहां पे अपलोड होना शुरू हो जाएंगी इस लर्नोलॉजी चैनल पे। सबसे पहले तो जो न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं, न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं, मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं। और जो जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लर्नोलॉजी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे 10th क्लास के पेपर हुए अल्हम्दुलिल्लाह उन सब की मैंने प्रिपरेशन कराई इसी लर्नोलॉजी चैनल पर, 8th क्लास वालों की प्रिपरेशन कराई, साथ साथ 7th क्लास वालों के लिए भी उनके एग्जाम्स हो रहे हैं उनकी मैं हेल्प करा रहा हूँ। अब 9th क्लास की बारी आ गई है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट परेशान है, कोई भी उसका प्रॉब्लम है, तो इस लर्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करके देखो, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करो, लाजमी करना बच्चों, बहुत फायदा होगा आपके पेपर्स में। ये लर्नोलॉजी चैनल आपको यहां पे 0 से लेके 100% तक लेके आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सिर्फ सब्सक्राइब करना है, जब आपको कोई भी पेपर होगा उससे पहले आप लोगों ने आके देखना है। यहां पर वीडियो में अपलोड कर रहा हूं ताकि आपके पेपर 100% हो जाए और हो जाएंगे गारंटी के साथ, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 9th क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट डायलॉग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लेटर्स हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस हो गए और बहुत कुछ शेयर करूंगा, ठीक है। हाँ, और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बहुत स्टूडेंट्स मुझे ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कह रहे हैं कि सर कोई वीडियोज वगैरह बनाएं, कि हमारे घर में अम्मी अबू, तो उनके लिए मैंने ऑलरेडी BCPM साइंस चैनल पर वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ। उस चैनल का लिंक मैं नीचे पिन कर दूंगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। अब वो आप लोग अपने अम्मी अबू को, बहन भाइयों को, अपने आपके जो बड़े हों आप लोगों ने बताइएगा, ताकि वो वीडियोज देख लें और वो आपका काम कर सकें। लेकिन आप लोग अभी पढ़ाई करें, ठीक है। अभी इस वीडियो में जो इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करता हूं वो आप जरूर देख लें, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी, तो नेक्स्ट वीडियो में और साथ साथ मैं आपको गाइड करता रहूंगा। तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, यकीन मानो यार बहुत फायदा होगा। जो नहीं सब्सक्राइब करेगा खुद बाद में पछताएगा कि यार ये चीजें काश हम पहले कर लेते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करानी है मैंने। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहां पर हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ये तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। 9th क्लास इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे, तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी स्टार्ट होने लगी हैं, ठीक है। 9th क्लास वाले जैसे जैसे आपके पेपर होते जाएंगे इंशाल्लाह वीडियोज़ भी आती जाएंगे, ठीक है, इस लर्नोलॉजी चैनल पर आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। लर्नोलॉजी चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब आप तमाम 9th क्लास वाले स्टूडेंट्स की वीडियोज़ आ जाएंगी। ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोज़ अपलोड की हैं स्पेशली फॉर 9th क्लास स्टूडेंट्स, अभी भी आप लोग ये चीजें देख सकते हैं, ठीक है। आप चैनल ओपन करके जिस जिस स्टूडेंट की प्रिपरेशन नहीं है तो आप लोग ये चीजें देख सकते हैं। अभी मैं पहले आपको बताता हूं फिर अगली कहानी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर्स आपको बताता हूं, ठीक है। इंपोर्टेंट लेटर्स ये पिंडी बोर्ड वाले भी हैं, पंजाब बोर्ड का कोई भी आपका बोर्ड हो, ठीक है, आप तमाम स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो कि आपको हेल्प करेगी टू गेट गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स स्पेशली फॉर इंग्लिश पेपर। नंबर वन है मदर हु इज वरीड अबाउट योर हेल्थ, ठीक है, कि आपने अपनी प्यारी अम्मी जान को खत लिखना है, ठीक है, जिसमें वो वरीड है आपकी हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है ना। मदर हु इज वरीड, अब इसमें आप लोगों ने लेटर लिखना कैसे है, ठीक है, वो आगे की बात है, वो आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले टॉपिक्स देख लें कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको लाजमी याद करना चाहिए। फादर आस्किंग अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर, ठीक है। नेक्स्ट है मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन, ठीक है, आपने एक अपनी अम्मी जान को खत लिखना है जिसमें आपने उन्हें बताना है, ठीक है, जो आपने अपना कोई टेस्ट वगैरह दिया हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लेटर्स हो गए, स्टोरीज हो गई, डायलॉग्स हो गए, ठीक है, तो इन्हें आपने लाजमी याद करना है। ये पहला मदर, ज़्यादातर यही आता है, मदर को लिखो, फादर को लिखो, ब्रदर को लिखो, सिस्टर को लिखो या फ्रेंड को लिखो, ठीक है। ये जो इतने भी होते हैं ना इस टाइप के लेटर्स, ये लाजमी आते हैं पेपर में, क्योंकि 9th क्लास इतनी बड़ी क्लास नहीं है कि आपको म्यूनसिपल को कहें कि ये कर दे वो कर दे या चीफ को कहें ये कर दे, नहीं, ये ऐसे नहीं आते, आपके आसान ही आते हैं, लेकिन इन्हें भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तब भी आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। मदर के लिखना है, फादर को लिखना है, फिर मदर को लिखना है, फिर ब्रदर को, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस सब्जेक्ट, ये वही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं जो बार बार आपके एग्जाम्स में, पेपर्स में रिपीट होते आ रहे हैं। तो इन ये जो सेलेक्टिव मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें तो आप लोग लाजमी याद करके जाइएगा। जब आप लोग ये याद करके जाएंगे ना,
तो स्टूडेंट इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आप लोग अपना कंटेंट खुद से लिख सकोगे। आगे मैं आपको बताता हूँ कि उसके क्या फ़ायदे होंगे। वीडियो पूरी कंप्लीट देखना और मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया, ताकि ऐसी वीडियोस आगे भी मिले। सिस्टर को आपने लिखना है लेटर, सिस्टर थैंकिंग हर फॉर अ गिफ्ट। आपने अपनी प्यारी बहना को ख़त लिखना है कि उसने आपको कोई गिफ्ट दिया था, ठीक है। वो तो वैसे अपनी बहनें गिफ्ट देती तो नहीं है, आपकी भी शायद देती हो कोई बर्थडे वगैरह पे, तो आपने बस थैंक यू का एक लेटर लिखना है कि मेरी प्यारी सिस्टर इस तरीके से थैंक यू। आप कोई भी गिफ्ट वगैरह हो सकता है। हाँ मेरी बात सुनो एक और से, अगर आप वो गिफ्ट नहीं देती पेपर में ये नहीं लिखना कि उसने गिफ्ट दिया ही नहीं था, ठीक है। तो आपने फिर भी नंबर लेने के लिए ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि आपको लिखना आता है कि नहीं आता। फिर फ्रेंड कंडोलिंग हर फॉर अ गिफ्ट। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट स्टोरीज, ठीक है। स्टोरीज में अ फ्रेंड इज इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ठीक है। अब देखो ये सब कुछ तो आप लोग याद कर लोगे, ठीक है, उम्मीद है, लेकिन इन चीज़ों को आप लोगों ने प्रेजेंट कैसे करना है ये उससे भी डबल इम्पोर्टेंट बात है। उसके लिए मैंने इस लर्नोलॉजी चैनल पे, आप लोग लर्नोलॉजी चैनल ओपन करना, ठीक है। तो जिसने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, ये सब्सक्राइब का बटन होगा, इस वीडियो के नीचे भी सब्सक्राइब का बटन होगा ओपन, मतलब सब्सक्राइब करके आप लोग मज़ीद नीचे स्क्रॉल डाउन करना। यहाँ पे आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशंस दी हुई हैं, ठीक है, कि कौन कौन से बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशंस हैं। फिर ये हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम, ठीक है, आपके पास कम टाइम रह गया और ज़्यादा पढ़ाई करनी है तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर वीडियोस बनाया करें, तो यार उसके लिए ये भी वीडियोस अवेलेबल है लर्नोलॉजी पे, और उस पर मैंने एक सेपरेट पूरा चैनल है, ठीक है, ये वाला, ये क्योंकि यहाँ पे मैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं। BCPM साइंस चैनल आप लोग ओपन करिएगा, ठीक है, जिसने नहीं देखा हुआ BCPM साइंस चैनल, तो यहाँ पे Amazon अर्निंग वीडियोज 100%, ये पूरी एक प्लेलिस्ट है जो कि Amazon से रिलेटेड है। आपने नाम सुना होगा, ठीक है, Amazon का TikTok वगैरह पे, जो बच्चे कहते हैं कि यार हमें कोई आसान सा कॉपी पेस्ट काम हो, ऑनलाइन जॉब, ये जितने भी यहाँ पे मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, ठीक है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट होती हैं, जिसमें आप लोगों को फ्री में, ठीक है, ये आप लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पे फेसबुक से अर्निंग के मैंने बताए हुए हैं, ठीक है, तो और भी बहुत ज़्यादा हैं, ये आप लोग देख सकते हैं अपना इस चैनल पे आके, BCPM साइंस चैनल पे, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग पहले अपना पेपरों के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को बाकी चीज़ें बताता रहूँगा। इंपॉर्टेंट स्टोरीज में अ फ्रेंड इज इन नीड, ये हो गया, ग्रीड इज अ कर्स हो गया, हेस्ट मेक्स वेस्ट, ठीक है, नेवर टेल अ लाई द बॉय हु। अब देखो इंपॉर्टेंट स्टोरी में लाजमी नहीं कि सिर्फ ऊपर से टाइटल ही आप लोगों को दे दिया जाए, वो आपको इस तरीके से भी पेपर में पूछा जा सकता है कि आप, मतलब क्या कहते हैं उसको, रिजल्ट, ठीक है, जो उसका रिजल्ट होता है वो आपको बता देंगे और फिर कहेंगे मोरल बता देंगे, कहेंगे अब इस पे आप लोग लिखें, तो ये चीज़ आप लोगों ने बड़े ध्यान से करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कुछ इम्पोर्टेंट स्टोरीज, इम्पोर्टेंट डायलॉग्स, ठीक है, डायलॉग बिटवीन टीचर एंड अ स्टूडेंट, ठीक है। आपने एक डायलॉग लिखना है टीचर और स्टूडेंट का, उसके बाद डायलॉग बिटवीन टू स्टूडेंट्स रिगार्डिंग प्रेयर, ठीक है, तो आपने प्रेयर से रिगार्डिंग एक डायलॉग लिखना है, डायलॉग बिटवीन अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, ठीक है, एक सिस्टर और ब्रदर के दरमियान में एक आपने डायलॉग लिखना है, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट कंप्रीहेंशंस, ठीक है, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्रीहेंशंस की बात की जाए, वंस अ स्टेज वॉज, ठीक है, किंग रॉबर्ट ब्रूस फॉर 3 years न्यूज़पेपर कीप अस अर्ली राइजिंग इज अ वन। अब ये चीज़ें अगर किसी भी स्टूडेंट को मुश्किल लग रही हैं, ठीक है, कि यार ये क्या चीज़ है, ठीक है, तो आप लोग ना होइएगा परेशान, ठीक है, अच्छा, तो चेंज ऑफ वॉइस आपने करना है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट द मदर लव्स द चिल्ड्रन, ठीक है, द मदर लव्स द चिल्ड्रन, लेकिन आजकल की मदर्स भी बिल्कुल वो हो गई हैं, केयरलेस हो गई हैं अपने चिल्ड्रंस के मुताबिक, तो ये चीजें आप लोगों ने करना है। लव्स तो करती हैं लेकिन केयरलेस भी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने ख्याल रखना है जो स्पेशली देख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो आप लोगों ने अपने माँ बाप का भी ख्याल रखना है और आपके माँ बाप को चाहिए कि वो आपका भी अच्छे से ख्याल रख सकें, ताकि ये अपना वेदर कंडीशन होती हैं तो चेंज ना हो। दे आर बाइंग This house, ठीक है, तो they are buying this house. She gave me five, अच्छा, she gave me five films, ठीक है,
अब देखो यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने किस चीज का ख्याल रखना है, टेंस का, ठीक है। अब ये देखो यहां पे क्या है, लव्स, यहां पे बाइंग, यहां पे गेव, ठीक है। अब गिव, गेव, गिवन, ठीक है। तो आपने ये टेंस जब भी वॉइस एक्टिव पैसिव वॉइस करने लगो ना, इसमें टेंसेस का बहुत खास ख्याल रखा करो, क्योंकि टेंसेस ही जब तक आपको नहीं आएंगे आपका पेपर अच्छा नहीं हो सकता। तो टेंसेस इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों ने वही बात है, घबराना नहीं है, क्योंकि इस लर्नोलॉजी चैनल पे इंशाल्लाह मैं आपको सब कुछ समझाता रहूंगा। नेक्स्ट है, व्हाई डिड शी राइट सच अ लेटर, दे हैड गेन नथिंग, ही विल राइट अ लेटर, वी शैल हैव किल्ड द स्नेक, शी लाइक्स एप्पल्स, द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव पैसिव है, ये करने आपने लास्ट। उसके बाद कुछ और मैं आपको एक्टिव बता देता हूँ, वी डिड नॉट हियर अ साउंड, द बोर्ड हैज गिवन मी अ गोल्ड मेडल, वी यूज मिल्क फॉर मिल्किंग मेकिंग चीज, व्हाई इज ही मेंडिंग द हेयर, द ड्राइवर ओपन द डोर ऑफ द कार, शी हैज नॉट बीटन द डॉग। देखे यहाँ पे टेंसेस, ये सारे के सारे टेंसेस लग रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपने बड़े ख्याल से करनी है। शी बॉट 5 वीडियो फिल्म्स, शी वॉज टीचिंग द स्टूडेंट, दे हैव बॉट अ हाउस, द टीचर वॉज हेल्पिंग द स्टूडेंट, वाई वर दे बीटिंग द बॉयज, ठीक है ना। तो ये आप लोग देख रहे हैं, तो ये चीजें आप लोगों ने लाजमी करनी है। दे हैव बॉट अ हाउस, द टीचर वॉज हेल्पिंग द स्टूडेंट, वाई आर दे बीटिंग द बॉयज, मतलब इस तरीके से ना आपके ये जो एक्टिव पैसिव हैं ये आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो इनको आप लोग तमाम स्टूडेंट बहुत अच्छे से याद कर लो, और उसके साथ साथ लर्नोलॉजी चैनल पे बाकी वीडियोस भी अभी आ जाएंगी आपके इंग्लिश से पेपर से रिलेटेड। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, यार यहाँ पे ना आप होम के साथ वीडियोस का पोर्शन सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियोस के पोर्शन में मैंने एक तो ये है ना स्टूडेंट की जॉब, जहाँ पे एक वजीफे शेयर हुए हुए हैं, यहाँ पे ये चीजें आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्स की दुआ है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक वजीफा था बहुत जबरदस्त था, ये वाला, हाँ। पेपर से पहले लाजमी इसे आप लोगों ने देख के जाना है और इसकी प्रैक्टिस करके जानी है। और जो स्टूडेंट फ्री हो जाए, ठीक है, तो और ऑनलाइन अर्निंग फ्रॉम होम करना चाहें, तो ये BCPM साइंस चैनल है, ठीक है, इसे आप लोग ओपन कीजिएगा। उसके बाद आप लोग Amazon की वीडियोस भी देख सकते हैं, ये 3-4 वीडियोस ही यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ये देख के अपने अगर खुद नहीं करते तो अपने बहन भाइयों या अम्मी अबू किसी को भी बता दें, ताकि वो लोग, तो घर में या टाइम तो मिल जाता होगा, तो वो लोग, ये फ्री में है, ठीक है, 1 रुपया भी नहीं लगाना। तो आप अगर नहीं कर सकते, आप लोग पढ़ाई करो और अपने घर वालों को बता दो, वो इन्हें से सीख लें चीजें, ठीक है। ये सीख सकते हैं ऑनलाइन जॉब्स एट होम, ठीक है, ये वाली बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग वीडियोस हैं, तो ये देख के वो यहाँ से सीख सकते हैं बहुत कुछ। और जो कुछ भी यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त तरीके से, और दूसरी बात ये है कि फ्री है, आपको रुपया भी नहीं लगाना और पैसे आप कमा सकते हैं। तो सीखना जरूर ये चीजें, खुद नहीं करते तो अपने पेरेंट्स को बताएं, कि वो वेले होते हैं घर में, अगर अम्मी वेली होती हैं कोई भी, तो वो ये काम कर सकते हैं इधर आके। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।